जय हिंद। सीआरपीएफ एचसीएम के लिए सेफ स्कोर। वर्तमान में जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरीके से कई बच्चों से, कई स्टूडेंट से व्यूज लिया गया, पूछा गया, उसके अनुसार जो आपका सेफ स्कोर होगा फाइनल मेरिट तक के लिए, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जो सेफ स्कोर, इसको आप कट ऑफ भी बोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सेफ स्कोर का दर्जा देंगे। इसे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो मेरिट बनेगी, जो सेफ स्कोर होगा, जो कट ऑफ बनेगी, वो सेम होगा। पहले जो एनालिसिस किया गया था, पहले जो बताया गया था 70, 75, 80 जा सकता है, अब वहां पे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर की स्थिति को देखते हुए कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे कि जो 70, 75 जा सकते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी जनरल कैंडिडेट्स का, वो मेल हो या फीमेल हो, उनका 66 नंबर से ऊपर होगा। सेफ स्कोर मतलब कट ऑफ का, फाइनल मेरिट तक का वो पहुंचेंगे। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनका 62 मार्क्स रहेगा, तो वो भी फाइनल मेरिट तक का पहुंचेंगे, फाइनल मेरिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ईडब्ल्यूएस हैं, उनका 63 प्लस मार्क्स होना आवश्यक है। और जो एससी कैंडिडेट्स हैं, उनका अगर 58, 59 से एवं मार्क्स रहेगा, वो भी फाइनल मेरिट में पहुंचेंगे। और जो वहीं पे एसटी कैंडिडेट्स हैं, वो तो 54, 55 एवं मार्क्स पाएंगे, तब भी उनका सिलेक्शन चयन जरूर होगा, वो सब प्रक्रिया पास कर लेते हैं। तो इसके पहले जो ये वाली वीडियो बनाया था, इसमें ये बताया था कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनका 40% मार्क्स रहेगा, तो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनका 35%। तो ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पे ये सेफ स्कोर है, यहाँ पे आपका टाइपिंग के लिए ही नहीं है, तो ये जो बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, ये आपका फाइनल मेरिट तक पहुंचाएगा। और जो ये वीडियो थी, ये वीडियो जो है आपको बता रहा है कि आप कंप्यूटर टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, इतने परसेंट मार्क्स पाएंगे। तो क्योंकि जो ये वीडियो बनाया हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात किया हूं, उनसे पूछा हूं कितने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यही बताए हैं कि सर 60 क्वेश्चन क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्रॉस भी कर रहे हैं उसमें हमारी गलती भी हो सकती है, क्योंकि हम अंदाज के लगा दिए हैं। कुछ ही बच्चे ऐसा बताए हैं कि जो 70 तक किए हैं क्वेश्चन को, बाकी उनको समझ में ही नहीं आया है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किसी किसी को समय नहीं मिल पाया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर, जो आपकी वैकेंसी है, जो आपकी प्रोसेस होंगे, जो आपका फाइनल बनेगा, जो आपका कट ऑफ बनेगा, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। साथियों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।